हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसका नाम है जामिया बीटेक 2024। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जामिया के बीटेक के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और भी अलग अलग चीज़ें, उसके सिलेबस के बारे में, उसके कोर्सेज के बारे में, उसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है और इसका एग्ज़ाम हम कैसे देते हैं। सो जामिया का जो बीटेक है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है अलग अलग रीजंस की वजह से, क्योंकि जामिया का बीटेक जो है वो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। एडमिशन टू जामिया बीटेक कोर्सेज आर ऑफर्ड फॉर द वेरी स्पेशलाइजेशन बेस्ड अपॉन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन। तो जेईई मेंस एग्जामिनेशन के आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ये कॉलेज मिलता है। तो इसकी अथॉरिटी जो है, जैसे कि जामिया में अलग अलग अगर कोर्स के एडमिशन के बारे में बात करें तो उस तरह से इसका अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होता, जबकि कुछ साल पहले आज से जामिया का इंजीनियरिंग का अलग से एग्ज़ाम होता था, पर अब ऐसा नहीं है। वो जेईई मेंस का आप एग्ज़ाम दे दें, जामिया का फॉर्म फिलअप कर दें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका आप जामिया का बस फॉर्म फिलअप करना है, जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देना है। जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई भी अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है, जबकि बाकी दूसरे कोर्सेज का यहाँ पर अलग से एग्ज़ाम होता है। मोरओवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीटेक एडमिशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो इसमें हमें चाहिए कि हम उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं, हमें मालूम हो कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि हम पहले से हमें उस एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा रखें। द आर्टिकल बिलो कंटेंस ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक एडमिशन 2024 फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। तो हम इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये क्या है। एडमिशन प्रोसेस का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, जिसको जिसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो जामिया मिलिया इस्लामिया, बल्कि तुम कह सकते हो कि जेईई मेंस है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो हमारा जेईई मेंस है, एंड लेवल ऑफ एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का ये एग्जामिनेशन है। कैटेगरी जो होगा आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल होगा, एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। एप्लीकेशन जो आपको ऑनलाइन आएगा, कोई आपको सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा का सारा फॉर्म कहाँ आता है, ऑनलाइन आता है। बीटेक में जो जितनी सीट्स हैं टोटल जितने भी हमारे अलग अलग स्ट्रीम हैं उसमें टोटल मिलाकर जो हमारी सीट्स हैं वो 2350 हैं, और जो टोटल फीस है उसका वो 16,150 है। और यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जामिया का जो बीटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते में यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग देखने को मिलता है। अब जामिया बीटेक 2024 के इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कब कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब फॉर्म आने वाला है। तो यहाँ देखो, हमारा जो फॉर्म आएगा वो लगभग लगभग मार्च के स्टार्टिंग वीक में या फरवरी के एंडिंग वीक में, तो हम मार्च के फर्स्ट वीक में ले लेते हैं इसको। और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 3 मार्च को होगा, लास्ट डेट हो जाएगा आपका अप्रैल 3 का। करेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि अगर आपने कोई गलती कर रखी है तो उसमें जो आप उसको चेंज कर सकते हो, तो उसकी जो डेट है वो 4 to 6 अप्रैल की एक जनरल डेट है, हम उसको प्लस माइनस मान सकते हैं कि 5 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। रैंक लिस्ट जो होगी आपकी जो आएगी वो जून के मिड वीक में आएगी, और जो उसमें आपको काउंसलिंग वगैरह होगी उसको जून के 2024 में, और फिर उसमें डेट आ जाती है। तो खैर, अभी हमें इतना ही जानना है कि इस जामिया में आपकी एप्लीकेशन का टाइम कब तक है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीज़ चाहिए आपको अगर आप जामिया के बीटेक के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो पास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट है लीस्ट 25% मार्क्स। तो देखो, यहाँ पे ध्यान दो कि आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मतलब PCM सब्जेक्ट होना चाहिए विद अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। कोई एक रिकॉग्नाइज बोर्ड हो सकता है, ये रिकॉग्नाइज बोर्ड CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 55% मार्क्स चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE और स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ड्यूरेशन ऑफ 3-4 ईयर्स, ठीक है। या फिर ये भी डिप्लोमा जो कि AICTE या फिर स्टेट बोर्ड के तरफ से इसको मान्यता प्राप्त हो, यहाँ पर भी आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। एज जो होना चाहिए वो कम से कम 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 17 साल होना चाहिए अक्टूबर 1, 2024 के हिसाब से। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो इसका अलग से नहीं होगा, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो अलग से नहीं होगा, बल्कि इसका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो जेईई मेंस के हिसाब से ही होगा। जेईई मेंस में आप नंबर लाएंगे, उसी रैंकिंग के हिसाब से आपको जामिया की सीट्स मिलेंगी।
अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि साइन इन। साइन इन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, वहां से आपको उस पर एक कोड आएगा, फिर वो ईमेल आईडी आपकी लॉग इन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी अपना पर्सनल डिटेल हो जाएगा, एकेडमिक डिटेल होगा, वो सारे का सारा उसमें हम फिल कर देंगे, नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस। फिर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि आपको एक फोटो अपलोड करना पड़ता है जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रहेगा और 100 KB से कम का होगा उसकी साइज होगी, और अपना एक सिग्नेचर भी आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। फिर अपलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ें हम कर देते हैं अगर हमें पेमेंट के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि इसमें कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी भी है जामिया के अंदर, वो क्या है, उसके अलावा और भी चीज़ें देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न तो पूरा जेई पे बेस्ड है, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। और भी एक न्यू वीडियो आ सकते हैं, काउंसलिंग कैसी होती है, क्या कट ऑफ जाता है, क्या रैंकिंग जाती है, ये सारी की सारी अलग अलग स्ट्रीम्स, तो कौन से स्ट्रीम में क्या रैंकिंग जाती है, वो सब सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।